ठीक है, कि जनरल रिलेशन दोनों की मोशन हो रही है ऐसा कंसिडर करके निकाला है, ये इनकी स्पेशल कंडीशन एक रेस पर रहेगा। तो देखो A rocket is moving at a speed of 200 meter per second towards a stationary target. ठीक है, while moving it emits a wave of frequency one thousand hertz. Some of the sound reaching the target gets reflected back to the rocket. And as an echo, ठीक है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है सर? फर्स्ट पार्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड is detected by the target. The second is the frequency of the echo ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज डिटेक्टेड बाय द टारगेट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द रॉकेट। ये दोनों चीजें निकालनी है। पहले तो क्वेश्चन को बढ़िया समझ लेते हैं। क्या कहा है? द रॉकेट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी टारगेट एज डिटेक्टेड बाय टारगेट पूछा है। ठीक है, ये जो रॉकेट है, शायद से ऐसा रॉकेट रहेगा कोई, this target is moving, rocket is moving with a speed of 200 meter per second. ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। ये स्टेशनरी टारगेट है कोई, इसका टारगेट T, ये रेस्ट पर है। वाइल मूविंग इट एमिट्स अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल 1000 हर्ट्ज। कौन मूव हो रहा है यहां पर? सोर्स इज मूविंग एंड अवर ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। क्या सही है? क्या
द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज डिटेक्टेड बाय टारगेट, ये निकालना है। क्या निकाल सकते हैं पहला पार्ट, निकाल सकते हैं? हाँ या ना? हाँ सर, पहला पार्ट तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल रिलेशन लिखते हैं। सो पार्ट वन के लिए जनरल रिलेशन रहेगा हमारा न्यू इक्वल टू न्यू नॉट वी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब पार्ट वन में हमारा ऑब्जर्वर कौन है? सर हमारा ऑब्जर्वर है टारगेट, टारगेट इज स्टेशनरी। साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साइन कन्वेंशन? ऑब्जर्वर टू सोर्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ऑब्जर्वर टू सोर्स, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कहना चाहिए वेलोसिटी की। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, सो वी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, वी नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एस। अब मुझे बताओ मेरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव लू या सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव लू या नेगेटिव? नेगेटिव। पक्का? देखो ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव, सोर्स इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सोर्स की मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसे मैं वी एस लिखता हूं। तो वी एस को नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेट्स पुट द वैल्यू, दिस इज 1000, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दी है, जनरली 330 लेते हैं, अपॉन 330 माइनस कितना हो जाएगा ये 200, कितने बच रहे? 330 माइनस 200 इज 1000 इंटू 33 अपॉन 13। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो ये रफली आ जाएगा 13 से, इसे डिवाइड करता हूँ, 13 टू जा कितने होते हैं 26। डेसिमल लिया, 4 और 3 7 बज गए, 70 हो गए। 13 5 जा 50 बज गए, 13 रफली 4 जा 52। सो इसके आसपास ही वैल्यू आ जाएगी 2.54 इंटू 1000, यह आंसर आने वाला है न्यू इक्वल टू 2540 हर्ट्ज। क्या सही है क्या? ठीक है, अब इसके आसपास का ऑप्शन देखना है। सो 2540 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी रहेगी एज डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्वर। क्या पार्ट वन क्लियर है? देखो कहा कैसे किया हमने, हमने कहा चलो डायग्राम निकाल ली, ये हमारा रॉकेट है विच इज ट्रैवलिंग विथ, ओके रॉकेट को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये हमारा सोर्स है, ये सोर्स की वेलोसिटी हो गई 200, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 का साउंड इसने प्रोड्यूस किया चलते चलते, विसल बजा दी। ठीक है, अब एक टारगेट है जिस विच इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब ऑब्जर्वर ये है हमारा टारगेट, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव, सो अब हमें पता है जनरल रिलेशन है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू नॉट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस। यहाँ पर ऑब्जर्वर जीरो है क्योंकि इट इज एट रेस्ट, सो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी न्यू नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एस। वैल्यूज पुट कर दी, आंसर निकाल दिया। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके हो गया काम हमारा। दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरे पार्ट में क्या हुआ है? दूसरे पार्ट में देखो, पहला पार्ट क्लियर है तो अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ जाता हूं। पार्ट टू में क्या हुआ है? अगेन से ये रॉकेट रहेगा विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ सोर्स 200 मीटर पर सेकंड, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब मैं इसे ऑब्जर्वर नहीं कह रहा हूं बिकॉज हमें कहा है ये जो साउंड की वेव यहां पर जा रही है
यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, ठीक है। सो अभी यही सोर्स है, यही ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इसने प्रोड्यूस की हुई फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट 1000 हर्ट्ज, तो आपको कहा है फाइनल फ्रीक्वेंसी बता दो। क्या ध्यान में आया क्या? हाँ या ना? तो देखो इसे करने के दो तरीके हैं। तरीका वन, इसके पहले वाले पार्ट को याद करो। इसके पहले वाले पार्ट को याद किया तो हमें ध्यान में आया जो फ्रीक्वेंसी टारगेट के पास पहुंची है इट इज 2540 हर्ट्ज। अब यही साउंड वेव रिफ्लेक्ट होने वाली है। हाँ सर बिल्कुल सही है। सो आप ऐसा कह सकते हो ये रॉकेट जो ट्रेवल करके जा रहा है उसके कारण जो ये वेव टारगेट के पास पहुंच रही है इज न्यू डैश, और ये न्यू डैश वाली वेव अभी रिफ्लेक्ट होगी और हमारा ऑब्जर्वर अभी सोर्स क्या बन गया, अब ये सोर्स बन गया, सोर्स स्टेशनरी है एंड नाउ द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। क्या ध्यान में आया क्या? दो पार्ट में कर रहे, पार्ट वन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। पार्ट वन में ध्यान में आया टारगेट के पास जो साउंड की फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है इट इज 2540 हर्ट्ज। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है, मतलब रॉकेट के पास पहुंच रही है, ठीक है, और नाउ यूर ऑब्जर्वर इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। और हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है? ऑब्जर्वर टू सोर्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ सर बहुत बढ़िया है। सो हमारा जनरल रिलेशन v इक्वल टू न्यू नॉट v प्लस v नॉट अपॉन v प्लस vs, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दे? After reflection of original wave, ठीक है, so ये बन जाएगा new equal to, अब new not कितना हो जाएगा? velocity of sound 330, velocity of observer positive लू या negative? सर positive लेनी पड़ेगी। velocity of source is stationary। values ऐसी क्यों put की, ध्यान में आया क्या? Yes, अब सॉल्व कर दो, 2540 इनटू दिस इज 530 डिवाइडेड बाय 330, कुछ तो डिवाइड होता है क्या? ये आठ एट जा 33 एट जा नहीं हो रहा है, उसके आसपास रहेगा, ठीक है। तो देखो ये कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, 4 so, ये आ जाएगा 4080 हर्ट्ज के आसपास, ठीक है। ओके सर ठीक है। क्या इसके सिवा कोई और दूसरा ऑप्शन है क्या सर? आप कोई तो कह रहे हैं दूसरा वे है करने का। बिल्कुल सही है। सो देखो क्या पहले और दूसरे वे का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्या हम यहाँ पर, पहले एंड दूसरे वे का कॉम्बिनेशन? हाँ सर कर सकते हैं। अभी दो पार्ट में किया ना कि पहले वेव यहां पर पहुंची और इसने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की, और दूसरे केस में यहां से रिफ्लेक्ट हुई वेव और जो हमने ऑब्जर्व किया। बिल्कुल सही है। सो अब हम इसे कॉम्बिनेशन में करते हैं, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, पार्ट वन सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है,
ठीक है, सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है और ये बाद में वापस आ रहा है, ठीक है। सो यही सोर्स है, यही ऑब्जर्वर है, तो ये पुट करना पड़ेगा न्यू नॉट इक्वल टू वी प्लस वी नॉट, बिकॉज ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, और पहले वाले केस का रखेंगे वी माइनस वी एस। सर ऐसा क्यों? सो पार्ट वन में जो हमारा सोर्स है ये ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है और हमारी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव, ठीक है, ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव। सो पहले केस में जो ऑब्जर्वर था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है, इसलिए इस प्रकार से वेलोसिटी पुट करनी पड़ेगी। और देखो इसे साइमल्टेनियस इसे अभी सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1000 वी प्लस वी नॉट, ये आ रहा है हमारा 530 डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस, कितना आ जाएगा 130। देखो बर कितना आता है, ये 13 4 52 डेसिमल पॉइंट 10 जीरो आ गया 100 13 7 91 ठीक है 8 86 जा, तो ये लगभग 4076 हर्ट्ज इस प्रकार से आएगा। क्या सही है क्या? हाँ सर नियरली सेम है। सो डायरेक्ट सॉल्व करना है तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो जो ऑब्जर्वर है उसकी ये केस रहेगी, ऑब्जर्वर ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई वेव को ऑब्जर्व कर रहा है, सो ये सोर्स करके एक्ट करेगा तब। एंड पहले केस में ये सोर्स के लिए इस प्रकार से है, ये सोर्स ये ऑब्जर्वर रहेगा और ये सोर्स करके ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सो कंसीडरिंग सोर्स ये ऑब्जर्वर था और इस केस में ऑब्जर्वर टू सोर्स पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स नेगेटिव ली गई, ठीक है। सेकंड केस में जो वेव ऑब्जर्व हो रही है इट इज ऑब्जर्व्ड बाय रॉकेट, एंड इस केस में हमारा टारगेट ये सोर्स करके एक्ट कर रहा है और ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव, इसलिए ये 200 को प्लस लिया गया और इसे माइनस 200 लिया गया। क्या सही है क्या? सो ये इंटरमीडिएट सोर्स है, ठीक है, इसे इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या ध्यान में आया? पक्का? आइदर इस प्रकार से सिंगल वे में सॉल्व कर सकते हो या इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर सकते हो, कुछ जगह पर आप इसे कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हो। सर कॉम्बिनेशन में मतलब कैसा? तो देखो देखो ये पहला प्रॉब्लम ही जबरदस्त है, हाँ एकदम। सो इसको दूसरा जो वे रहेगा हम एंड एंड में देखेंगे इसे कंबाइन वे में कैसे सॉल्व करना। क्या अभी बता दूं? देखो एक सेकंड, इसे सिंपली आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी ऐसा याद रखो ये आपके लिए काम की चीज है, ठीक है। मैं कभी वैसा प्रॉब्लम मिल गया तो फिर वैसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। चल अब जरा सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। क्या क्वेश्चन है?
an ambulance is moving with a blowing horn. Towards a person standing on the ground with 54 kilometer per hour. What frequency does the person hears if the velocity of sound in air is 330 and frequency of horn is 450 hertz. क्या है ये एम्बुलेंस है ये कोई आदमी खड़ा है इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस मैन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर मतलब कितनी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर मतलब मीटर पर सेकंड में क्यों करना है क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड में पता है 330 बता दो 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करो 18 3 जा 54 3 5 जा 15 सो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड बहुत बढ़िया ये ऑब्जर्वर है सो ऑब्जर्वर टू सोर्स इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव ठीक है आपको कहा है ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुनने वाला है जनरल रिलेशन न्यू इक्वल टू न्यू नॉट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट न्यू नॉट की वैल्यू है 330 सही है ना ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 450 है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 450 वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है 330 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 वेलोसिटी ऑफ सोर्स पॉजिटिव लू या नेगेटिव बताओ जल्दी ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव हमारा सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर सो दिस वैल्यू शुड बी नेगेटिव कितनी लेनी चाहिए -15 ध्यान में आया क्या हाँ या ना ओके 450 मल्टीप्लाइड बाय 330 डिवाइडेड बाय 315 15 के टेबल में आएगा क्या आएगा सर 15 थ्री जा 30 टाइम्स 15 टू जा 15 बज गए 15 वन जा और थ्री के टेबल में भी यह आ सकता है 3 7 जा 3 10 जा सो ये हो गया 3300 अपॉन 7 कितनी आ जाएगी फाइनल वैल्यू 468 के आसपास आती है 468 के आसपास आ जाएगी कैलकुलेट कर लेते हैं 4 7 4 जा 28 50 बज गए 7 7 जा 49 10 471.4 हर्ट्ज के आसपास आंसर आना चाहिए क्या सही है क्या हाँ सर ये तो बढ़िया है तो क्या एक जनरल रिलेशन याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो काम चलेगा क्या बिल्कुल चलेगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है और एक क्वेश्चन कर ले
चलो 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 v मतलब velocity of sound is 340 and original frequency nu naught कितनी है 500 hertz. मैंने statement नहीं लिखा. चलो क्या हो रहा है, observer listener ये rest पर है, velocity of observer zero हो गई. पुलिस की गाड़ी, पुलिस की जीप इज मूविंग अवे. ठीक है, कितने स्पीड से जा रही है, 60 मीटर पर सेकंड से. सो बस ऑब्जर्वर टू सोर्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. लिख लो जनरल रिलेशन, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट बी प्लस velocity of observer upon v upon velocity of source. क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है. ठीक है सर, ये रिलेशन किस प्रकार से याद रखना? सो मैं कैसे याद रखता हूँ बताता हूँ. O और S, इसमें से पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली? कौन आएगा पहले? ओ, इसलिए मैंने ओ को ऊपर लिखा है. ठीक है, यू कैन हैव योर ओन वेज. ठीक है, ऐसी कुछ चीजें जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे समय पर याद रखें. या कोई ऐसा कह सकता है यहाँ पर न्यू नॉट होता है, ऊपर भी नॉट है, दोनों नॉट ऊपर है, चलेगा. सो पुट कर दो वैल्यू, न्यू नॉट की वैल्यू 500, 340, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो अपॉन वी कितनी है 340. 60 पॉजिटिव लेना या नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव बस यार, ये 340 प्लस 60 400 हो गए. दिस इज 5 बाय 4 इनटू 340. 4 8 जा 5 जा 85, 5 जा 425. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है. सिंपल है ना क्वेश्चंस? बस ये ध्यान में आना चाहिए और वेलोसिटी को ठीक से लेना है. और एकदम पहला क्वेश्चन जैसे किया तो उसे दो पार्ट में कर लेना, वो भी सिंपल है. सिंगल पार्ट का भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चलता है. चलो देखो, पुलिसमैन इज चेसिंग अ थीफ फ्रॉम बिहाइंड. While riding on a bike,
विथ 54 किलोमीटर पर आवर. द थीफ इज ऑल्सो मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर. When police blows a siren of 200 hertz, find the frequency observed by the thief. क्या हो रहा है? दोनों गाड़ी पर भाग रहे हैं. ठीक है, किसको पुलिस मान लू? सर ऑब्वियसली पुलिस पीछे रहेगा और चोर आगे रहेगा. दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी. पुलिस की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर. मतलब कितनी? 50 में रखना किलोमीटर पर आवर को 5/18 से 18 3 जा 3 5 जा. दिस इज 15 मीटर पर सेकंड. इसकी कितनी है? 72. 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड. कौन ऑब्जर्वर है? थीफ ऑब्जर्वर है. इसके पास साइरन है. ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव. सो दोनों की वेलोसिटीज कैसे लेनी चाहिए? निगेटिव. इतना पक्का ध्यान में आ गया कि आगे का प्रॉब्लम सिंपल है. एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू नॉट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस. क्या सही है? क्या न्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो. 200 वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? सर 330 लेते हैं जनरली. दिया होगा हाँ क्वेश्चन में. ऑब्जर्वर की स्पीड 20 प्लस लू माइनस माइनस. सोर्स की स्पीड माइनस. सो ये आ जाएगा 200 into 310 divided by 315. 5 से डिवाइड करते हैं तो 562 जा और ये 63 जा. तो देखो क्या आंसर आ रहा है. 62 1 2 4 00 divided by 63. ठीक है, कितना आता है ये देखो. तो देखो 63 वन जा आ जाएगा बिकॉज 63 टू जा इज 126. ठीक है 63 वन जा. सो 61 बज गए. 610 63 नाइन जा कितने आने वाले हैं? 630 माइनस 63 33 267. सॉरी 567 और एक जीरो आ गया. 63 नाइन आ जाएगा क्या? एट आएगा. नाइन आ जाएगा. कुछ गड़बड़ की है क्या? नो सर, अप्रोक्सीमेटली 200 आंसर आता. अप्रोक्सीमेटली 200 आना ही चाहिए. सिक्स
610 माइनस नाइंजा करना था क्या हमें, सॉरी सॉरी 567 कितने बचने वाले हैं, 67 मतलब 33 43 430। अब ये 7 जा जाएगा लगभग 197 के आसपास आंसर आना चाहिए। किसी ने कैलकुलेटर से किया है, 197 के आसपास आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हाँ आपके एग्जाम में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो हमें ये प्रैक्टिस चाहिए कैलकुलेशन की। और एक क्वेश्चन कर ले, आया ना सर, 12-12 तक क्लास घेणार आहे का? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा पहले आपको अच्छे से क्लास होगा या नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको सोचकर सॉल्व करो। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड ब्लोज अ व्हिसल ऑफ 100 hertz. If speed of sound in air is 330 meter per second, then find apparent frequency observed by the passenger. चलो कर दो सॉल्व और बताओ मुझे आंसर। कितना? 100 hertz पक्का? सोचो फिर से एक बार। देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये मेरी झुकझुक गाड़ी है, ये मैं बैठा हूं पैसेंजर सीट पर, तो बैठेंगे नहीं अपन, दरवाजे में बैठे। पैसेंजर ट्रेन से जा रहे ना, ये यहां पर इसका हॉर्न है, इसने हॉर्न बजाया, ये सोर्स हो जाएगा, ये पैसेंजर है। पैसेंजर की स्पीड कितनी है? 100 सर, जो ट्रेन की है वही तो पैसेंजर की स्पीड रहेगी ना। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इज देयर रिलेटिव मोशन बिटवीन वेलोसिटी ऑब्जर्वर एंड सोर्स?
ऑब्जर्वर एंड सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है क्या? इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, ऑब्जर्वर के कंपैरेटिवली सोर्स आगे पीछे जा रहा है, मतलब ये डब्बा दूर जाएगा और इंजन दूर जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा सर ऐसा। इसका मतलब क्या? As there is no relative motion between the observer and source, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए गाड़ी के ट्रेन में बैठने के बाद आपने अगर विसल सुनी होगी तो वो नॉर्मली सुनाई देती है आपको। गाड़ी के अंदर बैठे हुए अपने को डॉपलर इफेक्ट फील नहीं होता है, जब अपन बाहर रहते हैं तब डॉपलर इफेक्ट फील होगा, बिकॉज डॉपलर इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। यहाँ पर रिलेटिव मोशन है क्या? नहीं है। पहले भी डब्बा अगर 50 मीटर डिस्टेंस पर रहेगा तो आप कहीं पे भी चले जाओ, ये डब्बा इंजन से 50 मीटर दूरी पर ही रहने वाला है। क्या आया क्या ध्यान में? नहीं तो ऐसा देखो, सोर्स की स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है? ट्रेन में बैठा है तो 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव, ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव, दोनों की वेलोसिटी कैसे रहेगी? दोनों भी आगे जा रहे हैं ना, तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। रिलेशन हमारा न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, सॉरी न्यू इक्वल टू न्यू नॉट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 100 हर्ट्ज। वी प्लस वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू कितनी? 30, मतलब ये आ जाएगा 360 अपॉन 30, सोर्स भी 330 अपॉन 30, 360 अपॉन 361, आंसर कितना आना चाहिए? 100। यहां से भी करो या कॉमन सेंस से करो, आंसर तो सर सेम ही आएगा।